अब ये तीसरा टर्म शुरू होने वाला है, एक इनिंग का मैच खत्म हो चुका है जिसके अंदर एयर अथॉरिटी जो है वो लीड कर रही है 7-3 से, और इसमें कहीं कोई शक वाली बात नहीं है, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन जो है वो एयरपोर्ट अथॉरिटी को मिल गया है। मेरे साथ है तृथि जी। तृथि साहब, मेरे ख्याल से अभी महाराष्ट्र को बहुत कड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी कम से कम इस टर्म में। देखिए, इनको कम से कम 8 पॉइंट चाहिए जीतने, मतलब ये अभी उनकी जो एक चेजिंग टर्न भी बाकी है तो एयरपोर्ट अथॉरिटी की, और अगर ये यहाँ पर जैसे अभी दिखाया था उन्होंने पैर अंदर रखा है सेंटर लाइन के, फॉल सिटी नहीं दी, क्योंकि उस समय अगर वो आउट का होता तो जरूर देती। टच की अपील की गई थी महाराष्ट्र के द्वारा, लेकिन वहाँ पर एम्पायर्स ने इसको नहीं माना और नहीं आउट, क्योंकि टच की जो गेम होती है इसके अंदर बहुत माइन्यूटली देखना पड़ता है, और इसीलिए 3 ऑफिशियल्स जो हैं इस एक्शन को देखने के लिए, रेफरी 1 और 2 एम्पायर, ये तीनों मिलकर इस चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं और फिर जाके वो डिसीजन दिया जाता है कि ये आउट है या नहीं है। और फॉल्स के भी जो हैं वो इक्वली उनको भी उसी तरीके से देखते हैं ताकि स्मूथ जो है गेम को वो चला सकें एज़ पर द रूल्स। और ये देखिए दोबारा एयरपोर्ट अथॉरिटी की जो लड़की है वो टच कर रही है, और सिंगल चेन डबल चेन उसने दो कॉम्बिनेशन जो है यहाँ पर रखा हुआ है और मेंटेन रखा हुआ है डिस्टेंस ताकि वो टच ना हो। और पहले भी ये बहुत अच्छा जो है अपने चेजिंग में इन्होंने ठीक अपना प्रदर्शन किया था। अब रनिंग में जो है 12 नंबर की खिलाड़ी कविता वो आउट होकर बाहर जा रही है, उनको महाराष्ट्र की 5 नंबर की जो अशोक है वेगा, हाँ श्वेता अशोक ने उनका आउट किया, तो ये एक बहुत जल्दी सफलता अर्जित कर ली है, इसमें कहीं कोई शक वाली बात नहीं है। अभी भी अगर कहें कि महाराष्ट्र की टीम एक चैंपियन साइड है, डिफेंडिंग चैंपियन है, और एयरपोर्ट अथॉरिटी पिछली बार भी सिर्फ 1 अंक से हारी थी, हालांकि इस बार उन्होंने जो अपनी पहली टर्म है उसमें बहुत बढ़िया प्रदर्शन किया है, और 4 अंकों का अंतर इन दोनों ही टीमों के बीच में है। अब इस टर्म पर बहुत कुछ निर्भर करेगा, आगाज़ जो है वो महाराष्ट्र के बिल्कुल पक्ष में हुआ है, लेकिन हमें ये भी नहीं भूलना है कि जिस तरीके से खेला है अभी तक एयरपोर्ट अथॉरिटी ने वो वाकई में काबिल तारीफ है। नंबर 2, पिछली बार भी सर आपको याद होगा यही बैच आया था जो फर्स्ट टर्म थी और इन्होंने ही मैक्सिमम टाइम निकाल दिया था, इस बार भी वही रिपीट किया है। अभी भी नंबर 1 के खिलाड़ी जो है प्रियंका वो कोर्ट पर मौजूद हैं, और अभी जो एक्टिव है उन्हीं के पीछे इनफेक्ट चैलेंज लेकर चल रहे हैं, वही एक्टिव रनर है और डिफेंडर है, तो देखना ये कि क्या इस बार भी वही परफॉर्मेंस निभा पाएंगे जो पिछली बार उन्होंने किया था, लगभग 2 मिनट और 40 से 45 सेकंड उन्होंने निकाला था। जी हाँ जी, और इस बार जो 12 नंबर की खिलाड़ी थी कविता उसने 1.5 मिनट निकाला है, और एक आध प्लेयर जो है वो बैचेस में वो चेंज भी कर देते हैं, राइट, तो फर्स्ट बैच में से भी ऐसा किया गया है। और अभी जो इस समय 1 नंबर की खिलाड़ी जो थी वो उनको छोड़कर उन्होंने सरप्राइज अटैक 2 नंबर की एयरपोर्ट अथॉरिटी की जो खिलाड़ी हैं उनके ऊपर अटैक रखा गया है। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि कोशिश ये होती है कि उस पर लगातार अटैक बनाए रखें ताकि वो जल्दी एग्जॉस्ट हो और एग्जॉस्ट होने के बाद उसे वो आउट कर सके। सर, आई एम वॉचिंग दीज गर्ल्स एंड वन थिंग इज डेफिनेटली कमिंग आउट ऑफ माई माइंड इज लाइक दिस इज वट वी कॉल टीम स्पिरिट। वी हैव सीन नंबर 1 प्लेयर प्रियंका, शी इज गेटिंग अ बिट टायर्ड, एंड इन बिटवीन वी हैव सीन वीना, शी इज मूविंग एंड टेम्प्टिंग ऑल दीज प्लेयर्स टू जस्ट कम आफ्टर हर रादर देन नंबर 1। वेल, दिस इज वट द टीम गेम इज ऑल अबाउट। जी हाँ, और अभी आपने देखा होगा कि एक चेंज भी डाला है महाराष्ट्र ने, क्योंकि आपके पास 12 के जो खिलाड़ी हैं उनमें से 3 खिलाड़ी जो होते हैं उनको आप चेंज दे सकते हैं, जो कोई प्लेयर बीच में आपको लग रहा है कि भाई वो टायर्ड हो गया है या वो चेजिंग में कोई उसको समझाना है कोई चीज़, तो वो प्लान जो भी समझाना है वो जो एक्स्ट्रा प्लेयर होता है उनका अच्छा चेजर उसको वो चेंज करते हैं, चेंज ड्यूरिंग द गेम किसी टाइम भी आप कर सकते हैं ड्यूरिंग द टर्न। और ये चेंज सिर्फ चेजिंग टीम के ऊपर ही है, जो रनिंग टीम है डिफेंडर्स है उनका चेंज ग्राउंड में नहीं होता है। एब्सोल्युटली, वेल ऑन द डॉट राइट नाउ ऑन द पोल, वेल शी इज अ स्मार्ट गर्ल एंड एग्जैक्टली शी इज सेविंग हर एनर्जी एंड वेल दिस टाइम अ गुड करके बता देना गुड प्लान बट नॉट एग्जीक्यूटेड प्रॉपरली एंड शी इज स्टिल देयर। प्रियंका, ब्यूटीफुल वंडरफुल गेम शी हैज शोन इन दिस मैच एंड शी इज द की फॉर एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया इन द वेरी फर्स्ट मैच इन द फर्स्ट टाइम शी हैज परफॉर्म द सेम वे विच इज नाउ बीन शोन। वेल आई विल जस्ट लेट यू नो इट्स लेस देन 4 मिनट्स एंड वेल द फर्स्ट मैच स्टिल गोइंग वेरी हार्ड एंड वेल बाई चांस तृथि जी इफ दिस ग्रुप सर्वाइव फॉर द कंप्लीट 9 मिनट्स it will be miraculous, yeah, and very big shock for Maharashtra because they have never tasted such kind of defeat in the past. Yes, there is no doubt Maharashtra is a very good side,
बहुत अच्छा खेलती हैं, उनके अभी तक के जो रिकॉर्ड हैं उसके हिसाब से उनको ये मैच जो था उसमें अच्छी फाइट होनी चाहिए थी, लेकिन जैसे मैं पहले मैच शुरू होने से पहले मैंने आपको कहा था कि एयरपोर्ट अथॉरिटी की जो टीम है वो इस समय इनसे ज़्यादा बेटर नज़र आ रही थी, और अब खेलने में भी यही आप हमारे सामने रिजल्ट ऐसे नज़र आ रहे हैं, यही चांसेस हैं आउट होने के, और आउट दिया गया 12 नंबर के खिलाड़ी महाराष्ट्र की जो है उससे, एक नंबर के खिलाड़ी प्रियंका को जो कि एयरपोर्ट अथॉरिटी की है उनको आउट किया, और इस समय 2:50 का समय बाकी रह गया है और देखना है कि जो वीना है वो अब कितना टाइम जो है एयरपोर्ट अथॉरिटी के लिए यहाँ पर इस टर्न में अपने आप को सेव रख कर बचा सकती हैं, और पहले टर्न की तरह हो सकता है कि 3 पॉइंट इस बार भी जाएँ। मेरा विचार ये है कि 3 पॉइंट तो आने ही चाहिए। वेल डेफिनेटली आई डू एग्री, वेल इफ यू आर ए महाराष्ट्र सेलेक्टर और एन ऑफिशियल टीम, यस यू कैन से सो। एंड वेल द थर्ड प्लेयर इज आउट, एम वीना, शी सर्वाइव्ड फॉर अ लॉट टाइम, बट वेल द न्यू बैच इज इन नंबर 8, नंबर 10 एंड नंबर 7। नंबर 8 इज पूर्णिमा गोविंद from Airport Authority, and number 10 you are watching Aishwarya Yashwant, and number 7 is Deepika Chaudhary, the 3 stars of Airport Authority of India. Well, now appeal is there, but the challenge between the players is still going on. She is not happy, not at all. Number 7 and Deepika Chaudhary is not at all happy with the decision that has been taken against her, and now this is the 4th point which Maharashtrian team has taken. Well, they are coming back, though it's very slow and the time is absolutely against them. It's less than 3 minutes which are left. So, well, only the coach can tell how much these girls has to put more to get Airport Authority out, maybe 7 or 8. अभी समय की जो पोजीशन है उसके हिसाब से तो कम से कम एक पॉइंट तो इधर जाएगा ही जाएगा, और अगर एक पॉइंट से ज़्यादा लेंगी महाराष्ट्र की जो टीम के प्लेयर हैं, और 7 कम से कम उनको 7 से ज़्यादा कवर करने हैं पॉइंट, ताकि वो जो एयरपोर्ट अथॉरिटी है उनको चेजिंग करने का मौका मिलेगा, नहीं तो बिना सेकंड टर्न की चेजिंग टर्न लिए बिना वो ये मैच जीत जाएंगे एक टर्न से। कोशिश इस समय महाराष्ट्र की यही है कि वो इनको जल्दी से जल्दी आउट करें, और ये फिर टैपिंग के अंदर उन्होंने अपील की और इसको आउट दिया गया। एयरपोर्ट अथॉरिटी की जो खिलाड़ी हैं 7 नंबर की उनको आउट दिया गया है, 8 नंबर की वो इस समय बाहर जाती हुई पूर्णिमा गोविंद जो है, अब सारा जो है दारोमदार 10 नंबर की खिलाड़ी जो हैं ऐश्वर्या, बड़ी एक्सपीरियंस हैं उनको इस समय ये जुम्मेवारी मिली है। समय 1:40 का रह चुका है, और ये 1:40 इनके लिए काफ़ी मुश्किल होंगे, क्योंकि महाराष्ट्र की टीम ने ऑल आउट एफर्ट्स करना है यहाँ पर उनको आउट करने के लिए, और डिफेंडर भी अपनी दूरी निश्चित दूरी बनाकर यहाँ पर खेल रहा है, और ये जो टाइम इस समय